ना तो आएंगे सभी के घर जद में, यहाँ कोई सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। कोरोना ना जाति देखता है, ना धर्म देखता है, ना शक्ल और सूरत देखता है, ना हैसियत देखता है, लेकिन फिर भी हम सुधरने को तैयार हैं। रांची में वैक्सीनेशन सेंटरों की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लोग वैक्सीन लेने पहुंचे हैं या फिर कोरोना। तेरी गर्म सांसें मेरे रात और दिन महकने लगे हैं। सांसों से सांसें टकरा रही थी, जिस्म से जिस्म भी टकरा रहे थे। अरे नहीं नहीं, कोई रोमांटिक सीन नहीं चल रहा, ये लोग वैक्सीन लेने आए हैं। तस्वीर रांची के सदर अस्पताल की है और दो गज दूरी के सिद्धांत का मजाक उड़ रहा। ऐसा लग रहा है मानो कोरोना को बोला जा रहा है। शॉपिंग मॉल में पाबंदी है, सिनेमा हॉल में पाबंदी है, शादी विवाह में पाबंदी है, पर वैक्सीन लेने आए लोगों के लिए कोई पाबंदी नहीं है। वैक्सीन लेने पहुंचे हैं कि कोरोना को हराएंगे, और यही कोरोना को दावत भी मिल रही। भीड़ नहीं लगाना है, बहुत सारे सोशल वर्कर को ये कह के मना कर दिया गया है कि नहीं, काम नहीं करना है, मीटिंग नहीं करना है, लोग भूखे मर रहे हैं काम के चलते। और ये कोविड के चक्कर में कितने सटे सटे घने घने करीबन 100 के संख्या में भीड़ लगी हुई, क्या इनसे कोविड नहीं फैलेगा? को बुलाना है, इन्विटेशन देना है कोरोना को वैक्सीन के बहाने से, कि आइए आप लोग वैक्सीन लीजिए और कोरोना भीड़ लगाइए और कोरोना को ज्यादा बढ़ाइए। ठरपकना स्कूल में बोला गया था कि दूसरा इंजेक्शन वहाँ पड़ेगा, तो वहाँ से हम लोग को फिर यहाँ बुलाया गया सदर में, और यहाँ भी देखिए इतना भीड़ भड़ाका हो गया है, हम लोग तो अपने डर से मर रहे हैं। हुआ था कल तो आया था ना पेपर में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि व्यवस्था जो है वो एकदम उल्टा है। इस व्यवस्था में कोरोना बढ़ेगा घटेगा नहीं, बस यही जिस्ट कहना चाहता हूँ। अब जब हम ये सवाल लेकर वैक्सीनेशन इंचार्ज साहब के पास पहुंचे कि हुजूर कोरोना को ऐसे हराना है क्या, कोई नया फॉर्मूला आया है, तो जवाब क्या मिला सुन लीजिए। जगह चेंज हुई है इसलिए कि पहले तो यही पड़ता था और उस समय स्थिति थी जिसमें कि अभी तो हमको लग रहा है कि जो स्थिति अभी बनी हुई है इस स्थिति का हम लोग सुधार कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी सोशल डिस्टेंसिंग या ये सब जो जिस टाइप का देख रहे हैं आप लोग भीड़, वो उस टाइप से निश्चित रूप से नहीं पड़ना चाहिए, वैक्सीनेशन नहीं होना चाहिए, उसका हम लोग सुधार अभी कर रहे हैं। सदर अस्पताल के बाद अब रांची के रामलखन सिंह यादव कॉलेज के वैक्सीनेशन सेंटर की भी तस्वीर देखिए। जगह अलग है पर कहानी कुछ अलग नहीं है, कहानी बस वही है। रामलखन सिंह यादव कॉलेज में भी भीड़ है, यहाँ भी दो गज दूरी का मखौल है, यहाँ भी कोई देखने वाला नहीं है। लाइन में खड़ा रहे, 9 बजे से ही आके हैं, अभी जब ये लोग खोले हैं तो बोलते हैं नहीं, जो शेड्यूल बुक किया उन्हीं को मिलेगा। अब पहले तो ऐसा था नहीं कि 45 प्लस के लिए शेड्यूल बुक करने का कोई जरूरत नहीं था, सेकेंड डोज के लिए भी बुकिंग करने की जरूरत नहीं है। हमारा मैसेज आया हुआ है 11/7 का, तो 11/7 को यहाँ पे आए थे हम, तो बोला गया कि यहाँ कोवैक्सीन है, जबकि हमको लेना था कोविशील्ड, तो हम लौट गए। तो अभी अभी आ रहे हैं तो बोल रहे हैं कि नहीं पहले बुक कर कीजिए। वैक्सीनेशन केंद्र में वैक्सीन की शुरुआत की गई, लेकिन वैक्सीनेशन केंद्र का जो नज़ारा है वो अलग है, क्योंकि लोग वैक्सीन लेने जरूर पहुंचते हैं, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। ना ही यहाँ पर वैक्सीन लेने वाले खुद को अपने आप को जागरूक समझते हैं, ना ही वैक्सीन केंद्र में जो व्यवस्था बनाने वाली मैनेजमेंट टीम है वो जिन लोगों को जागरूक कर पा रहे हैं। ये BMP जो कि डोरंडा में है, यहाँ पर वैक्सीनेशन केंद्र बनाया गया था, लंबे समय के बाद वैक्सीन उपलब्ध हो पाई
नहीं है और ऐसे में लोगों को वैक्सीन के लिए मारामारी हर एक केंद्रों में राजधानी रांची के देखने के लिए मिल रहा है। लोगों के आलम यह है कि लोग अपने आप को कोरोना के इस तीसरी लहर की बात होती है, तीसरी वेव की बात होती है, दूसरी वेव में लोगों ने देखा कि किस तरह से जान माल की नुकसान हुई है, लोगों को एक एक बेड के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, तो उस वक्त लगातार SMS का फॉर्मूला लोगों को अप्लाई करने के लिए कहा गया था, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर। लेकिन हम जिस केंद्र पे हैं, इस केंद्र की अगर हम बात करें तो ना ही यहाँ पर लोग जागरूक है और ना ही इस व्यवस्था को बनाने वाले जो कर्मचारी हैं वो जागरूक है। अब बोल तो दिए हैं, देख लीजिए जागना है या नहीं, तय कर लीजिए। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए सहयोगी कौशल और अविदास के साथ अंजनी कुमार और शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो ये जो तस्वीरें आपने अलग अलग जगह की देखी है रांची की, जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए थे, वैक्सीन लोग लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जिस कदर भीड़ थी वहां पर, ये वैक्सीन से कोरोना खत्म होगा या नहीं होगा ये तो नहीं पता, लेकिन दावत ये कोरोना को जरूर देते हुए नजर आए। सीधा रुख करेंगे, सहयोगी शाहनवाज अख्तर हमारे साथ है। शाहनवाज, ये तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही है, वैक्सीनेशन सेंटर में जिस कदर भीड़ है कोरोना को दावत देने वाली तस्वीरें हैं। जी हाँ, जिस तरह की तस्वीरें हैं उसको देख करके बिल्कुल सही है, बहुत मन व्यथित होता है ऐसी जगह पे जाके जहाँ पर कोरोना के संक्रमण का आप इलाज बता रहे हैं कि ये वैक्सीन है, वैक्सीन लें, और आपके कंधे से कंधे छीलें, अगर कोई आपको ऐसा आपके बगल से गुजरे कि उसकी पूरी सांसें आपके गर्दन पे महसूस हों, तो आप समझ सकते हैं वहाँ पर कौन लोग हैं, वहाँ पर कहाँ से कौन आया है, कोई पता नहीं है। आखिर कोरोना फैलता ही इसी तरह से है, जिस तरह से ये जो कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जो वैक्सीन लेने लोग आ रहे हैं वो बचाव चाहते हैं, कोरोना से बचना चाहते हैं। इनमें से वो सारे लोग हैं जो फर्स्ट डोज दे चुके हैं, 30-30 दिन 40-40 दिन हो गए हैं, अब उनको सेकेंड डोज नहीं मिल रहा है। उनमें से बहुत सारे बुज़ुर्ग लोग हैं जो एक बार नहीं दो बार अकेले रहते हैं, लौट करके जा चुके हैं सेंटर से, वो यहाँ पर आ रहे हैं। वहाँ पर जाते ही मुझे ये एहसास हुआ कि ये किस तरह का डिसीजन है, जिसने भी लिया है उस पर तो निश्चित रूप से FIR होना चाहिए। आखिर क्या है ये तमाशा, किस तरह से वहाँ पर इस तरह से जो बहुत आराम से सेंटर चल रहा था कि स्कूल में, बंगला स्कूल में, वहाँ पर बहुत ही आराम से सेंटर चल रहा था, कोवैक्सीन भी मिल रही थी, कोविशील्ड भी मिल रही थी, कुछ बीच में टेंट जैसा चीज़ लगा दिया गया था जिसके वजह से अगर कभी बारिश हुई तो 2 मिनट की बारिश थी, लेकिन कॉरिडोर बहुत था स्कूल में लोगों के छुपने के लिए। आखिर उस वहाँ से सेंटर हटा के सदर अस्पताल में जो पुरानी व्यवस्था थी, वैसे ही सदर अस्पताल में इतनी ज़्यादा भीड़ हुआ करती है, इतनी ज़्यादा वहाँ पर धक्कमपेल होती है, क्योंकि ऐसे भी संक्रमण का वो सेंटर है, वहीं पर ऊपर सारे लोग एडमिट हुए हैं और नीचे में वो सेंटर चला रहे हैं आप, और सेंटर चलाने के बाद इस स्थिति में कि लोग एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं किसी तरह से, तो निश्चित रूप से किसी ने वहाँ पर कहा कि कोई तीसरी लहर अगर कहीं आ सकती है तो यहीं पे आ जाएगी, और तीसरी लहर कैसे आएगी कोई समझ सकता है, कोई सवाल पूछ सकता है, तो वो इन्हीं तस्वीरों की जिम्मेदारी होगी अगर तीसरी लहर कहीं आती है। बहरहाल हमने जब पूछा प्रभारी से कि आखिर ये डिसीजन क्यों लिया गया, तो उन्होंने बारिश का बहाना किया कि बारिश हो रही है, तो बारिश तो पूरे राज्य में हो रही है, मानसून का सीज़न है, तो उसकी कोई और व्यवस्था आप करेंगे? सदर अस्पताल जैसे कंजेशन वाली जगह में अगर कोई गाड़ी से आया है तो गाड़ी पार्क करने के लिए उसको पार्किंग में डाइवर्ट कर देते हैं सुरक्षाकर्मी, उनके साथ एक बूढ़ी महिला है वो वहाँ से वहाँ आधा किलोमीटर सेंटर पे चल करके हो जाएगी। बिल्कुल ही बेवकूफ़ी वाली डिसीज़न थी ये, और इसको फौरन जिन लोगों ने लिया है उनको रिव्यू करना चाहिए, और सीधे जैसे पुरानी व्यवस्था थी वो बिल्कुल ठीक थी, और डिस्टेंसिंग के की जो तस्वीरें हैं ये ज़रूर आला अधिकारियों तक पहुंची होंगी, क्योंकि मुझे भी कई लोगों ने फ़ोन करके कहा है कि बिल्कुल सही मुद्दा आपने उठाया है, और ये जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं, आप टेलीफोन अगर कहीं लगा दें तो आप सोशल डिस्टेंसिंग के सारे तराने सुनेंगे, आप चौक चौराहों पर आपको हर वक्त माइकिंग होती हुई नज़र आती है कि सोशल डिस्टेंसिंग करें, ऐसे रहें, वैसे रहें। कोई एक महिला ने मुझे कहा वहाँ पर
कि 11 आदमी से ज़्यादा शादी में अटेंड नहीं कर रहे हैं, आपको इतनी सख्ती आपने कर रखी है, इतनी पाबंदियां आपने लगा रखी हैं, लेकिन ये क्या है? तो बहरहाल ये जो तस्वीरें थी अलार्म की तरह हैं, अगर आप इसको कोई समझ सकता है तो ये अलार्मिंग सिचुएशन के लिए तैयार रहे, अगर यही हालात रहे तो तीसरी लहर ज़रूर आएगी, इसमें कोई शक नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका शनवास तमाम जानकारियों के लिए। तो ये जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं ये सचेत करने के लिए काफ़ी है कि अगर ऐसी ही तस्वीर हर दिन देखने को मिलेगी तो कोरोना को बढ़ावा मिलेगा, ना कि इसे ख़त्म हम कर पाएंगे। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए वैक्सीनेशन बेहद ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार की गाइडलाइन बेहद ज़रूरी है, जो हो नहीं पा रहा है। ये तस्वीरें जो हैं वो हमें सचेत होने के लिए काफ़ी है।